कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र में हुए नरसंहार पीड़ितों से मिलने से रोके जाने के विरोध में शनिवार को गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर मौन विरोध सरकार के खिलाफ किया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इस मौके पर गोरखपुर नी से बात करते हुए कांग्रेसी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, राकेश यादव जिलाध्यक्ष ने जिस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार जनहित के मुद्दों पर, जब हमारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका जी और विपक्ष के नेता माननीय लल्लू जी जब सोनभद्र जाते हैं उन पीड़ितों को देखने के लिए, 11 हत्याएं वहां हुई, 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जब वहां लोगों की पीड़ा सुनने के लिए जाते हैं तो ये सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ नहीं जाने देती है। हम कांग्रेसजन मांग करते हैं कि जब तक प्रियंका जी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग कर्मी कंसर करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे।